जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आप भी अपनी मनचाही नौकरी, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? तो ऐसे में आज मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको बताने जा रही हूँ। जिस भी नौकरी पर आप हाथ रख देंगे, वो नौकरी आपकी होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बस उपाय करें, मेहनत आपको भरपूर करनी है, लेकिन उसके साथ अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो वो नौकरी आप लिख कर ले लीजिए, जिस पेन से आप उस नौकरी पर साइन कर रहे होंगे वो नौकरी आपके हाथ में होगी। भले वो आपके हाथों की लकीरों में नहीं लिखी हो, तो भी वो नौकरी आपके पास चलकर आएगी। अब ये मैं कैसे कह रही हूँ तो वीडियो के अंत तक आप स्वयं ही समझ जाएंगे। बस इस उपाय को करना है आपको, कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, हर एक बात बताऊंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज के समय में नौकरी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं होता, और बात करें मनचाही नौकरी की तो उससे बड़ा कोई दूसरा चमत्कार तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको गुरु जी के द्वारा बताए गए छोटे से उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ उपाय करें और मेहनत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करता है। तो ईश्वर में विश्वास और कठिन मेहनत दोनों ही जरूरी होते हैं। कोई भी उपाय करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें, और ये प्रयोग तो सिद्ध भी हुआ है। गुरु जी के एक भक्त ने जब कथा में स्वयं बताया कि कैसे उस व्यक्ति को इस एक उपाय की वजह से, जो कि गुरु जी ने बताया था, उसके बेटे की नौकरी लग गई थी। छोटा सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जन साधारण भाषा में बताने जा रही हूँ। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। आपका एक छोटा सा शेयर भी किसी के कष्टों को दूर कर सकता है, तो वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब बिना देर किए ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, आपको करना क्या है। सोमवार के दिन आपको किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है, और वहां जाकर आपको सफेद फूल, एक लोटा जल, बेलपत्र और धतूरे का फूल लेकर जाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, सोमवार के दिन आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है, लेकिन जाने से पहले आपको एक सफेद फूल, एक लोटा जल, बेलपत्र और धतूरे का फूल लेकर आपको जाना है। सफेद पुष्प कोई भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए, लेकिन सफेद पुष्प होना अनिवार्य है। इसके बाद आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते रहें। उसके बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का जाप करना है। साथ ही साथ जब आप सफेद पुष्प अर्पण करें, इसके बाद आप महादेव से अपनी मनचाही नौकरी के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके पास धतूरा, बेलपत्र न भी हो, तो भी आप एक लोटा जल और सफेद पुष्प से महादेव का प्रिय पुष्प जो होता है, उससे आप चढ़ा करके आप महादेव को प्रसन्न कर अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज जो है, आप घर या मंदिर दोनों में से किसी भी जगह इस उपाय को कर सकते हैं। अब दूसरा और अंतिम और सबसे ज्यादा रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपका एग्जाम 2 से 3 महीने के अंदर है, कभी भी पड़ता है, आप इस उपाय को जरूर करके जाइएगा। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए एक पूरा का पूरा जो गट्ठा होता है, मौली का पूरा जो गट्ठा है, वो लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के पास, और इस उपाय को आप शनिवार के दिन करेंगे। शनिवार के दिन अपने आसपास किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि देव के मंदिर में आपको जाना है, आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा मंदिर आपको ढूंढना है जिसके प्रांगण में पीपल का वृक्ष हो और पीपल के वृक्ष पर पूजा भी होती हो। बस आपको वहीं जाना है, लेकिन जाने से पहले आप एक मिट्टी के दीपक में तेल का दिया लेकर जाएं। आप चाहें तो तिल के तेल का दिया लेकर जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक और चीज लेनी है, और वो है मौली। मौली अगर आपके घर में पूरी की पूरी गट्ठा रखा हो तो वो ले लीजिए, या फिर आप मंदिर जाते समय मार्केट या दुकान से भी खरीद सकते हैं। बस दो चीजें लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के पास, और ये उपाय आपको सायंकाल के समय में करना है, यानी कि संध्या काल में करना है। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, इस मौली के धागे से आपको पीपल पर 3 बार तने में जो है गांठ लगानी है,
तीन बार परिक्रमा करनी है तने की, और परिक्रमा करते समय आपको क्या बोलना है कि हे ईश्वर, मैं इस नौकरी को बहुत दिन से पाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, मेरे में कमी है तो सिर्फ और सिर्फ भाग्य की, मेहनत की कोई कमी नहीं है, और आप मेरे भाग्य में साथ दीजिए और मुझे ये नौकरी प्रदान कीजिए। आपकी जो भी मन में इच्छा है, जैसी भी नौकरी आप पाना चाहते हैं, उस नौकरी का नाम लेते हुए तीन परिक्रमा आपको लगानी है, और फिर उसके बाद जो दिया और दीपक आप लेकर गए थे वो ज्योत आपको वहीं पर प्रज्वलित कर देनी है, और दीपक लगाते समय भी आप अपने मन में इष्ट देव को इसी प्रकार से आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं नौकरी के लिए वो आपको बस बोल देने हैं। बस तीन परिक्रमा आपको लगानी है दोस्तों शनिवार के दिन, और इस उपाय को आप कितने शनिवार करेंगे तो यहाँ मैं बता दूं, आप 7 शनिवार करेंगे, लेकिन आप मानकर चलिए 3 से 4 शनिवार के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक बार इस उपाय को जरूर कीजिएगा। कोई भी आपने एग्जाम भरा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड से लेके 4th ग्रेड हो या IAS का ही एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी कैसा भी एग्जाम है, उससे पहले आप इस उपाय को जरूर करके जाइए, आपकी मनचाही नौकरी आपके हाथ में होगी। ऐसा कई बार होता है दोस्तों कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन नौकरी उसकी लगती है जो एकदम आराम से कम पढ़ाई करता है, उसके बावजूद उसके भाग्य में वो नौकरी होती है, इस वजह से उसे मिल जाती है और आप अपनी मेहनत को लेकर बैठे रह जाते हैं। तो ऐसे में मेहनत के साथ भाग्य का, किस्मत का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से किस्मत को चमका सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पूरे मन से ईश्वर में विश्वास रखें और विश्वास के साथ ही इस उपाय को करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये मार्गदर्शन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।